हेलो गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी सिग्नल्ट ओपर जीरो सो आर यू ऑल आई होप ऑल आर वेल गाइस हम अपनी पिछली वीडियो जो थी हमारी लेक्चर नंबर नाइनटीन अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेक्चर नंबर ट्वेंटीन तो गाइस पिछली वीडियो में हमने मैट्रिक्स जो हमारा टॉपिक था वह हमने पूरा कम्प्लीट कर लिया है ओके गाइज अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि हमारा क्या डिफरेंशियल कैलकुलस तो गाइज इसका हमारा एक पार्ट है जो वह क्या है पार्शियल डिफरेंशिएसन या इसी को हम चैप्टर बोल सकते हैं इसी को हम बोल रहे हैं क्या चैप्टर नंबर फाइव ओके गाइस ये हमारा किस में आता है डिफरेंशियल कैलकुलस ओके गाइस तो गाइस पार्शियल डिफ्रेंशियन होता क्या है तो इस इसको समझने से पहले हम आपको समझाते हैं क्या कि आपने पिछले सेमेस्टर में डिफरेंशिएशन से कुछ क्वेश्चन किए होंगे है ना आपको कंप्लीट आ गया होगा डिफरेंशिएशन क्या होता है तो गाइस आपको डिफ्रेंसिएशन फॉर्मूले आना बहुत जरूरी है जैसे कि डिफरेंशिएशन डिफ्रेंशिएसन साइन एक्स का क्या होता है तो कॉश एक्स होता है कॉशेक्स का साइन एक्स होता है और ई एक्स का क्या होता है ई e की पावर ई e की पावर जो एक्स होती है जैसे कि ई की पावर एक्स का क्या होता है डिफ्रेंशिएसन डी एपॉइन डी एक्स इसका होता है ई की पावर एक्स होता है लॉग एक्स का शायद वन अपॉइंट एक्स होता है ओके इस तो इस टाइप से आपको फॉर्मूले सारे आने चाहिए ओके इस तो गाइज फॉर्मूले आपको रिवाइज़ करने हैं आपके पास लिखे होंगे यदि आपको लिखे नहीं है तो मैं आपको स्क्रीन पर शो करा दूंगा ओके तो उनका स्क्रीन शॉट ले लीजिए गाइज ओके आइज़ तो हम बढ़ते हैं अपने आगे आगे हम समझते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन तो गाइस हम डिफरेंशिएशन में करते क्या था हमें एक क्वेश्चन दिया जाता था जैसे कि हमें एक क्वेश्चन दिया गया बाई बराबर साइन एक्स प्लस का इस टाइप से हमें क्वेश्चन दिया जाता जा था है ना मैं एग्जाम्पल में बता रहा हूँ ये तो इसका उसमें बोल दिया जाता जा क्या कि बाइक का किसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स के साथ एक्स क्या कीजिए डिफरेंशिएशन यानी कि अपकलन कीजिए अपकलन इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन कीजिए ये हमको क्वेश्चन दिया जाता जा था तो हम करते क्या थे हम इसको सॉल्यूशन कैसे करते थे हम लिखते थे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ओके तो करते क्या थे डी वाई अपॉन डी एक्स मतलब का बाइक का किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में तो आता आता क्या हमारा था डी वाई अपॉन डी एक्स और डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस का डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स अभी आए कैसे क्योंकि इसी कोष्टक के अंदर कर देंगे इसका भी डिफरेंसिएशन करेंगे तो इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा ओके okay कैश अब साइन एक्स का डिफ्रेंसिएसन क्या होता है साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है हमारा क्या कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएसन क्या होता है माइनस साइन एक्स तो गाइस हमारा आंसर क्या हो जाता था डी वाई अपन डी एक्स बराबर क्या आता था कॉश एक्स माइनस साइन एक्स ये हमारा आंसर हो जाता था लेकिन पार्शियल डिफ्रेंसीसन में क्या होता है यदि हमको कोई टर्म दिया गया जैसे कि पार्शियल डिफ्रेंसीसन में पहले आप एक नोट लिख लीजिए यह थ्योरी डेफिनेशन जो भी आपको लिखना हो लिखिए कि इसमें उसी टर्म का डिफ्रेंसी करते हैं इसमें उसी टर्म का डिफरेंसीसन करते हैं जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए यानी कि इसमें इसमें उसी टर्म का उसी टर्म का डिफ्रेंसी करते हैं जिसके जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए पूछा जाए और बाकी के और बाकी के सभी वेरिएबल को कांस्टेंट मानते हैं कांस्टेंट मानते है ओके गाइस यदि आपको डिफरेंशिएट बहुत अच्छे से आता है तो गाइस आपको पार्शियल डिफ्रेंशिएशन के क्वेश्चन लगाने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी ओके okay, बहुत ही सिंपल है बहुत ही ईजी टॉपिक है तो गाइस जैसे कि हमें एक हम हमें एक एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन लेते हैं तभी आपको समझ में आ जाएगा और हाँ हम इसमें डिफ्रेंशिएट जब करते थे तो हम उसको किससे प्रेजेंट करते थे डी वाई अपॉन डी एक्स से लेकिन जब हम पार्शियल डिफरेंशियन करेंगे तो हम उसको डेल अपॉन डेल एक्स या डेल अपॉन डेल वाई इससे रिप्रेजेंट करेंगे ओके गाइस अब ये बाई जब हम बाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन तब हम इससे व्यक्त करेंगे और जब एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तब हम इससे व्यक्त करेंगे ओके बस गाइस तो आप एक याद रखना क्या जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हमें उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालना हो तो हम डी नहीं लिखेंगे वहाँ पर क्या लिखेंगे डेल अपॉन डेल एक्स जिसके रिस्पेक्ट में करना हो चाहे वो एक्स हो चाहे वो बाई हो चाहे वो जेड हो ओके तो एक क्वेश्चन लेते हम क्वेश्चन है हमारा क्या क्वेश्चन जैसे कि यू बराबर साइन एक्स प्लस वाई का एक्स के सापेक्ष क्या करेगा एक्स के सापेक्ष क्या करना है पार्शियल डिफ्रेंसिस कीजिए पार्शियल डिफ्रेंसियन कीजिए सॉल्व गाइस अब क्या करना है पार्शियल डिफ्रेंसिस तो हम करेंगे क्या u बराबर u बराबर साइन एक्स प्लस बाई ये लिख लेंगे फिर क्या लिखेंगे पार्शियल डिफरेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किसके रिस्पेक्ट में पूछा है एक्स के रिस्पेक्ट में तो हम एक्स के रिस्पेक्ट में किसका कर, क्या करेंगे पार्शियल डिफ्रेंस करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल एक्स हो जाएगा इजकल टू डेल अपॉन डेल एक्स स, साइन एक्स प्लस वाई यही होगा गाइस इसके बाद आगे सॉल्व करें तो क्या आएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स इजकल टू डेल अपॉन डेल एक्स अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस डेल अपॉन डेल एक्स इंटू बाई अब कैस मैंने क्या लिखवाया आपको मैंने लिखवाया कि इसमें उसी टर्म का डिफ्रेंस करते हैं या किया जाता है जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए और बाकी सभी को क्या करते हैं कॉन्स्टेंट मान लेते हैं तो इसमें देखो किसके रिस्पेक्ट में पूछा हमसे एक्स के रिस्पेक्ट में तो एक्स के रिस्पेक्ट में पूछा तो साइन एक्स में मतलब कि ये तो हमारे हैं इसी के रिस्पेक्ट में करना है एक्स के रिस्पेक्ट में तो इसका तो हो जाएगा पार्शियल डिफरेंस लेकिन यहाँ पे बाई दे दिया तो यह क्या होगा ये जीरो हो जाएगा ओके okay गाइज तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इच कल टू साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस का इसका क्या हो जाएगा पार्शियल डिफरेंस जीरो तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा कॉस एक्स ओके गाइस ये हो जाएगा हमारा आंसर अब हम दूसरा एक क्वेश्चन करते हैं दूसरा क्वेश्चन जैसे कि हमारा है यू बराबर साइन एक्स प्लस साइन वाई अब इसमें बोल रहा है क्या पार्शियल डिफ्रेंसिएशन कीजिए और किसके बाद में ज्ञान कीजिए डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर कॉमा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर एंड डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स एंड डेल वाई के क्या कीजिए मान कीजिए क्वेश्चन है मैं पूछ रहा है क्या यू बराबर साइन एक्स प्लस वाई पार्शियल डिफ्रेंशन करके डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर कॉमा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर और डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई के मान क्या कीजिए अब गाइज ध्यान से समझना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओके okay, गाइस तो गाइस हम क्या करेंगे इसमें सबसे पहला मान क्या पूछा हमसे हमसे पूछा है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर तो हम क्या करेंगे हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं तो इसको हम सॉल्व करेंगे किसको इस क्वेश्चन को जो हमारी क्वेश्चन नंबर इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं ये लिख लेंगे हम क्या यू इज कल टू साइन एक्स प्लस का साइन वाई अब पार्शियल डिफ्रेंसी से करना है तो हम अब देखिएगा इसमें क्वेश्चन में ये नहीं दिया कि किसके रिस्पेक्ट में करना है ओके तो आप नीचे से पहचानेंगे कि इसमें क्या दिया एक्स दिया तो हम पहले क्या करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे ओके जो भी हमें नीचे टर्म दिया जाए यदि यहाँ पर बाई दिया जाए या जेड जैसे बाई दिया गया या जेड दिया जाता कुछ क्वेश्चनों में दिया जाए तो मतलब कि जो हमारा नीचे होगा मतलब कि डेल अपॉन डेल एक्स यानी कि डेल अपॉन डेल वाई तो हम उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे ध्यान रखना गाइज तो हम इसको सॉल्व करते हैं जैसे कि डिफरेंसीन पार्शियल डिफरेंसीसन विथ किसके रिस्पेक्ट में करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं पार्शियल डिफरेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो क्या आएगा हमारा डेल्यू अपॉन डेल एक्स बराबर ये क्या हो जाएगा गाइज ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स साइन एक्स प्लस का साइन वाई इचक्ल टू डेल अपॉन डेल एक्स साइन एक्स प्लस डेल अपॉन डेल एक्स और साइन वाई तो गाइस ये तो बाई है यानी कि वेरिएबल कॉन्स्टेंट हो जाएगा तो हमारे क्या हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा और इस साइन एक्स का क्या होगा डिफ्रेंशिएसन कॉस एक्स तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इजकल टू क्या जाएगा कॉस एक्स फिर क्या करेंगे अगेन हमें किसकी वैल्यू चाहिए डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे अगेन पार्शियल डिफ्रेंसीन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ओके गाइस तो हमारे क्या हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स इन टू डेल यू अपॉन डेल एक्स कल टू डेल अपॉन डेल एक्स कॉस एक्स तो गाइस कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स तो ये हमारा हो जाएगा क्या इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ओके गाइस इजक्ल टू कॉस एक्स क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स तो हमारा आंसर क्या आ गया माइनस का साइन एक्स किसका मान हो गया पहला हमारा पहला आंसर आ गया जिसका हमें पूछा गया था अब हम करते हैं दूसरा दूसरा क्या पूछ रहा है हमें दूसरा पूछ रहा है क्या डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू तो क्या करेंगे वाई से उतार लेंगे हम क्वेश्चन क्या है हमें यू बराबर क्वेश्चन दिया गया है साइन एक्स प्लस का साइन वाई ये हमें क्वेश्चन दिया गया हम क्या करेंगे हम निकालेंगे किसके रिस्पेक्ट में वाई के रिस्पेक्ट में तो पार्शियल डिफ्रेंसी विथ रिस्पेक्ट टू बाई तो क्या हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल वाई इजकल टू डेल अपॉन डेल वाई साइन एक्स प्लस का साइन वाई अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा डेल डेल वाई साइन एक्स प्लस का डेल डेल वाई साइन वाई अब गाइस यहां पर साइन एक्स है लेकिन यहां पर तो बाई है तो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम बाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा ये हमारा जीरो हो जाएगा क्योंकि हमारा कॉन्स्टेंट है है ना पार्शियल डिफरेंसिएशन में याद रखना हम सब जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाता है उसी का हम करते हैं पार्शियल डिफरेंसियन बाकी क्या हो जाएगा कॉन्टेंट तो डेली अपॉन डेल बाई बराबर क्या आएगा हमारा जीरो प्लस का साइन बाई का क्या हो जाएगा कॉस बाई अब डेल बाई सॉरी डेली अपॉन डेल बाई की वैल्यू हमें मिल गई लेकिन हमें चाहिए किसकी वैल्यू है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू तो हम क्या करेंगे इसका फिर से क्या कर देंगे अगेन अगेन पार्शियल डिफ्रेंसीन विथ रिस्पेक्ट टू वाई तो क्या हो जाएगा हमारा डेल अपॉन डेल वाई एन टू डेल यू अपॉन डेल वाई इजक्ल टू डेल अपॉन डेल वाई कॉस वाई तो कॉस वाई का क्या हो जाएगा माइनस का साइन वाई और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इजक्ल टू माइनस का साइन बाई आंसर दूसरा आंसर हो गया हमारा ओके इस अब हमें तीसरा बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट गाइस इसको ध्यान से समझिएगा क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में दिया गया है क्वेश्चन कई तरह से दे सकता है गाइस आपको तीसरा तीसरा मान पूछ रहा है हमसे क्या डेल यू अपॉन डेल स्क्वायर डेल स्क्वायू अपॉन डेल एक्स और डेल वाई डेल एक्स डेल वाई तो गाइज अब यहाँ पर समझने की बात क्या आती है जब गाइज इस तरह से हमें क्वेश्चन पूछा जाए किस तरह से इस तरह से यानी कि क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है हमें दे देगा क्या यू बराबर यू बराबर साइन एक्स प्लस साइन वाई और पूछ देगा क्या ये ये याद कीजिए डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स इन टू डेल वाई की वैल्यू याद कीजिए तो गाइज़ आप इससे पहचान जाइएगा क्या? क्या कि हमारा ये क्या है पार्शियल डिफ्रेंशिएसन तो गाइज अब इसमें एक्स भी दे दिया और बाई भी दे दिया तो यहाँ पर याद रखना हमेशा गाइज जो हमारा पीछे से चलेंगे हम इसमें कैसे हम पीछे क्या दिया डेल वाई तो सबसे पहले हम यू का क्या करेंगे पार्शियल डिफरेंस करेंगे साइन एक्स प्लस का साइन वाई जब हम इसका पार्शियल डिफरेंस किसके साथ किसके रिस्पेक्ट में करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में है हम इस साइड चलेंगे मतलब कि यहाँ पर क्या है डेल वाई है यदि याधि यहाँ पर डेल एक्स दिया जाता तो हम पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे ओके ओकाइज यदि यहाँ पर हमें क्या दिया गया लेकिन हमें दिया गया यहाँ पर क्या डेल वाई और डेल एक्स बाद में तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हम इसका क्या करेंगे पार्शियल किस के रिस्पेक्ट में करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू के रिस्पेक्ट में करेंगे सबसे पहले तो के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा हमारा डेल यू अपॉन डेल वाई इजकल टू डेल अपॉन डेल वाई साइन एक्स प्लस का साइन वाई अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा डेल अपॉन डेल वाई साइन एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई साइन वाई तो गाइस ये तो हमारा जीरो हो जाएगा कॉन्स्टेंट है क्योंकि हमें किसके रिस्पेक्ट में करना है बाई के रिस्पेक्ट में तो जीरो प्लस साइन बाई का क्या हो जाएगा कॉस बाई किसकी वैल्यू आ गई हमारी डेल यू अपॉन डेल वाई की चाहिए किसकी है डेल स्क्वायू अपॉन डेल एक्स डेल वाई है ना तो हम क्या करेंगे इसी को और आगे करेंगे क्या ये हो जाएगा हमारा डेल यू अपॉन डेल वाई क्या वैल्यू आई कॉस बाई फिर हम क्या करेंगे पार्शियल डिफरेंसीजन अब हम इसका पार्शियल डिफरेंस करेंगे किसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू बाद में क्या है हमारा डेल एक्स तो हम इसका क्या करेंगे डेल एक्स के रिस्पेक्ट में कर देंगे मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा हमारा क्या डेल अपॉन डेल एक्स इंटू डेल यू अपॉन डेल वा वाई इजकअल टू कॉस वाई डेल अपॉन डेल एक्स के रिस्पेक्ट में ओके गाइस तो हमारा क्या आ जाएगा ये हो जाएगा हमारा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई इजकल टू तो कॉस बाई का हमारा क्या हो जाएगा कॉस बाई का हमें किसके स्प्रेड करना है एक्सक्र स्प्रेड तो कॉस वाई का हम करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा ये जीरो क्योंकि गाइस हमारा क्या है कॉन्स्टेंट है है ना तो जीरो हो जाएगा तो इसका आंसर हमारा क्या आया इसका आंसर आया हमारा जीरो ओके गाइस इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है तो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सिकल्ट ओपन जीरो पर तो गाइस इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान से समझिएगा बहुत ही सिंपल चैप्टर है ईजी चैप्टर है इसके नोट ज़रूर बनाइएगा ओके गाइस तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फॉर आगे बढ़ेंगे ओके oh गाइस और हाँ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ओके गाइस थैंक यू गाइस